क्या मोदी मैजिक हो गया खत्म? ताजा ओपिनियन पोल ने दिया बीजेपी को झटका। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी कहती है कि मोदी चुनाव के अंत में चुनाव पलटने का मादा रखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। ये हम नहीं, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल बज जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। टाइम्स नाउ नव भारत के मध्य प्रदेश को लेकर ताजा ओपिनियन पोल में साफ संकेत है कि एमपी से बीजेपी की विदाई हो सकती है। इस सर्वे के मुताबिक अगर एमपी में आज चुनाव हो जाएं, तो सत्ताधारी दल बीजेपी को मिलेंगी 102 से 110 सीटें और विपक्ष में बैठी कांग्रेस को मिलेंगी 118 से 128 सीटें। याद कीजिए, कुछ दिन पहले एबीपी सी वोटर का सर्वे भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा था। टाइम्स नाउ के सर्वे में वोट शेयर में भी कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ते हुए 43.8 पर है, जबकि बीजेपी इससे 1% कम 42.8 पर है। इस सर्वे का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी को मायूस करना। बीजेपी के लिए अपनी सालों पुरानी पार्टी कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में बीजेपी को झटका लग रहा है। इस सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी के खाते में केवल 4 से 8 सीटें ही जाती दिख रही हैं और कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटों का अनुमान है। यानी सिंधिया के आने के बाद बीजेपी के अंदर जहां सबसे ज्यादा खेमेबाजी पैदा हुई, वो खुद सिंधिया का ही इलाका निकला। ये तब है दोस्तों जब एमपी में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से साइडलाइन करके खुद पीएम मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव का ताना बाना बुना है। लेकिन हाल के दिनों में शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और भयानक एंटी इनकम्बेंसी से इस ओपिनियन पोल के हिसाब से मोदी जी के लिए भी बीजेपी की नया पार लगाना मुश्किल दिख रहा है। आप टाइम्स नाउ का ताजा ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।